सोच रहे कुछ खाना वाना बनाया, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोटीन बार खा लूँ। तो आई एम हैविंग इट। तो गाइस सच पास के बाद आज हम सोचा कि हमने कैंप करेंगे, और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो एक टेंट ये रहा, ये है विक्रांत भाई का टेंट, पंडित जी बैठे हुए, और ये रहा मेरा टेंट। लेकिन टेंट से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर है हमारी बाइक्स, ये देखो बाइक्स यहीं खड़ी है, देखो बाइक्स खड़ी हुई है, सबसे कैंप फायर लगाने में इन भाइयों ने हमारी बहुत मदद की है, थैंक यू। अपना नाम बता दो एक बार। भुवनेश्वर। क्या बात है। उदय। विक्की। पवन। विनोद। अर्जुन। और मैं इधर विक्रांत। विक्रांत भाई को तो आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली से मेरे साथ चले और अभी भी आगे चलते रहेंगे। लेकिन आज रात जो हम कैंप कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन, अगर मेरा बस चले मैं आपको दिखाऊं, आसपास कुछ नहीं है इधर। चलो भाई शुरू। और तेज हवाओं के बीच नाचते हुए कुछ बंदर। कैंपिंग का पूरा लुत्फ उठाते हुए हमको मिल गए कुछ साथी। मेरी प्यारी मतलब मेरी जो बंदी है वो प्यारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और ऊपर जाके गाने लगाती है। क्या लगाती है? गाने गाने अच्छे सिरे लांदी जोजी, मतलब हमारे ट्रेडिशनल जोजी होते हैं यहाँ लगाने वाले। लेडी ट्राई है ना, पंगवाल ट्राई है, पंगवाल ट्राई है, पंगवाल पंगवाल पांगी पंगवाल ट्राई। और ये रिमोटेस्ट एरिया है हिमाचल का, मतलब हाँ हाँ वाक्य में यार, वाक्य में रिमोट, क्यों उसके आगे कुछ नहीं है, कट ऑफ रहता भाई 5-6 महीने है ना बाकी बर्ड से। 6 मंथ सब कुछ। ओ मेरी ये प्यार अभी लगे सिकर होता नहीं मेरी प्यारी घड़ा लांदी काजू कैंट्रो ने, मतलब वो लगाती है वो अपना हाथ स्टोर लगती है। पहला प्यार बजाऊं, दूसरा बजा दो। Na 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 तेरा मिलना भी जरूरी मेरे मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी झूठी है और राह सारी दुनिया की इश्क जहां ना चले तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है पहला प्यार है मेरा तू पहला पहला प्यार है मेरा। ओ कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया कीरा कीरा मेरी परछाइया
रे फकीरा रे टूटी चार पाई बड़ी मिट्टी की उड़ाई बड़ा देखे दूधों की मलाई बड़ी कच्ची कुर्बाई रास्ता देखे। तो अभी मैं अपने टेंट के अंदर हूँ और हम सोच रहे कुछ खाना वाना बनाए, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोटीन बार खा लूँ। तो आई एम हैविंग इट, इस साइड में सामान वगैरह रखा हुआ और मैं यहाँ सोऊंगा। और यहाँ बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है। पानी सही, रेत मिट्टी सही। हाँ, सो वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। कल रात को हम जो टेंट वेंट लगा के सोए थे, हम यहाँ सोए थे। अगर आपको दिखाता हूँ मैं जो हमारा टेंट है, क्योंकि रात को मैं ठीक से दिखा नहीं पाया। ये देखिए मेरी बाइक खड़ी है, ये रहा मेरा टेंट, ये रहा विक्रांत भाई का टेंट, ये उनकी बाइक और ये प्रधान जी अपनी बाइक साफ करते हुए। एफ जेड, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, एफ जेड पे सच पास कर गया है। प्रधान जी कैसा लग रहा है कैंपिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है और ज़बरदस्त मज़ा है। मैं तो सबको बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आए, विजिट करें। सच पास जैसी जन्नत और जैसा एडवेंचर कहीं नहीं आपको मिलेगा। सबको बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आए, विजिट करें। ओह नो, सच पास जैसी जन्नत और जैसा एडवेंचर कहीं नहीं आपको मिलेगा। प्रधान जी अगली बार अगर आना होगा तो कौन सी बाइक लेकर आओगे आप? सच पास मैं तो आऊंगा नहीं। और ये वाली इधर, और सच पास इधर से आना हो तो किधर से आना हो? यहाँ से अगर सच पास चढ़ना हो तो पीछे से मैं रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ भी मोड़ पे जो जा रहा होगा उसकी भी पिटाई करूंगा। ये दिल से बोल रहे हो या से बोलने के लिए बोल रहे हो? दिल से बोल रहा हूँ और मैं होके आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सच पास इज रियली अ डैडी ऑफ ऑल पासेस। जो सच पास के रास्ते हैं, जो वैली है उतरने के लिए पीछे किल्लार के लिए, औसम है, औसम जिसको कहते हैं, जो वैली है उतरने के लिए पीछे किल्लार के लिए, औसम है, औसम जिसको कहते हैं। लेकिन एक मतलब वो कहता है ना एडवेंचर का बाप, तो वो उतरना ही एडवेंचर का बाप है। चढ़ गए तो उतरना तो पड़ेगा, ये मजबूरी है। और आप एक बार देखिए मेरे पीछे, इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है पीछे, और इधर भी पहाड़ है बस, और हम वादियों के बीच। एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, ये हाफ पैंट में सुबह सुबह याद नहीं। अरे भाई गोम्बेसी का मार रहे भाई, ये हम नेचर्स कॉल गए थे और बड़े साफ से गए थे, बाद में हमने उसको मिट्टी से भी ढक दिया है क्योंकि आसपास कुछ था नहीं। देखिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हैं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइड से लेके खान पीने का और करने का, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का। एक्चुअली ये जो है हेलीपैड है और ये हमको यहाँ के कुछ लोकल्स ने बताया था इसके बारे में, तो वही हमें गाइड करके यहाँ लेके आए थे हेलीपैड, और फिर हमने यहाँ पर अपने टेंट लगा दिया रात को और यही सोए थे रात। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, अभी भी देखो हम जो शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, मैं खुद शॉर्ट्स में हूँ ये देखिए, तो ठंड नहीं है ना के बराबर, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है मेन हमारा सिटी है, अभी हम वहीं से होते हुए जाएंगे। यहाँ का व्यू देखिए पीछे पहाड़ का, अब यहाँ पर सूरज की किरण पड़ चुकी है और वहाँ दूर जो पहाड़ियाँ दिख रही है वहाँ से हम कल होते हुए इधर।
और अभी हमारे जो शेफ लोग हैं वो बना रहे हैं इधर। क्या बन रहा है इधर? इसमें ये दूध बॉर्नविटा, दूध बॉर्नविटा विद रबड़ी, विद रबड़ी, क्या बात है। और हमारी मैगी भी इधर रेडी है, ये देखिए। बाय बाय, क्या मजा है भाई साहब। इस पे बस अब ध्यान देते रहना कोई। अभी थोड़ी देर यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे और अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ बने रहिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। चलो चलो चलो।